आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कश्मीर में बौखलाए आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तानियों के करीबी है कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, इमरान बोले कहां है हमारा सिद्धू। संबल योजना में सामने आया फर्जीवाड़ा, सरकार और शिवराज आमने सामने। कमलनाथ के मंत्री प्रद्युम्न सिंह की चरण वंदना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया साष्टांग दंडवत। और मध्य प्रदेश में था अयोध्या पर अलर्ट, बाला बच्चन के कुछ पुलिस वाले ले रहे थे डांस का मजा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई का सिलसिला जारी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रविवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है और आतंकवादियों के खात्मे के लिए सेना ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। जिन दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, फिलहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। रविवार को लाडूरा गांव में आतंकियों के होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने गांव की घेराबंदी की थी। इसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के मौजूद होने का शक है, इस वजह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई के लिए इस साल की शुरुआत से ही सेना ने विशेष अभियान चला रखा है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान की वजह से आतंकियों की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी है। इस बीच NIA द्वारा टेरर फंडिंग को लेकर की गई कार्रवाई ने आर्थिक तौर पर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भी आतंकियों की बौखलाहट काफी बढ़ गई है। अब तक आतंकी सिर्फ सेना और पुलिस के जवानों को ही निशाना बनाते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आतंकियों द्वारा आम लोगों को भी निशाना बनाया गया है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन का 86 वर्ष की उम्र में रविवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एक वक्त में काफी अव्यवस्थित रही भारत की चुनाव व्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय TN शेषन को ही जाता है। TN शेषन ने बीती रात अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वर्ष 1990 से 1996 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने से पहले वे 1989 में भारत के 18वें कैबिनेट सेक्रेटरी का पद संभाल रहे थे। 1996 में उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुरैशी ने कहा कि वे सच्चे अर्थों में महान थे। कुरैशी ने लिखा, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले के थिरुनेल्लई में पैदा हुए शेषन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडवर्ड S. मेनन फेलोशिप के तहत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। TN शेषन और मेट्रोमैन कहे जाने वाले E. श्रीधरन ने पलक्कड़ के BEM हाई स्कूल और विक्टोरिया कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की। 10वें चुनाव आयुक्त के तौर पर शेषन पारदर्शिता और दक्षता का पर्याय थे। TN शेषन ने 1997 में देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वह KR नारायण से हार गए थे। अब बात वीडियो वायरल की। आपको ये जानकर कतई आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी हैं। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन का एक वीडियो सामने आया है, जहां इमरान खान पाकिस्तानी अधिकारियों से कह रहे हैं, हमारा सिद्धू कहाँ है। करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके उद्घाटन समारोह के दौरान वे अपने साथियों से पूछते हैं कि हमारा सिद्धू किधर है। मैं कह रहा हूं हमारा सिद्धू। इसके बाद उनके साथ शटल में सवार कोई सहयोगी कहता है कि उन्हें रोक रखा था। वीडियो में बैकग्राउंड से एक और आवाज आती है कि वे जत्थे की लाइन में लग गए हैं, लेकिन अभी आए नहीं हैं।
इसके बाद इमरान खान पूछते हैं, मनमोहन आ गया? तो एक महिला मंत्री जवाब देती है, हाँ सिद्धू को रोक रखा था। इस पर इमरान कहते हैं, उसे हीरो बनाएंगे। इस पर महिला मंत्री कहती हैं कि हाँ वो सारे चैनल की हेडलाइन बनेगी। इस बीच एक और आवाज आती है कि उनके दरवाजे बंद हैं, हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इसका एक शॉट ले लेते हैं। अच्छा हमारा वो सिद्धू किधर है? मैं कह रहा हूँ हमारा सिद्धू आ गया, वो आ गया। पहले सर हम उसको कुमाव का पार्टनर लेने के लिए गए हैं, वो उन्होंने हमें नहीं दिया। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल 24 ने इस वीडियो को सबसे पहले प्रसारित किया। इमरान खान ने शनिवार 9 नवंबर को लंबे समय से प्रतीक्षित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित करतारपुर कॉरिडोर का शनिवार को उद्घाटन किया। यह उसी दिन का वीडियो है। पाकिस्तान सेना के अधिकारियों और इमरान खान से दोस्ती के चलते सिद्धू काफी विवादास्पद हो गए हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस का एक धड़ा भी सिद्धू को इन कामों के चलते नापसंद कर रहा है। इस वीडियो के बाद सिद्धू की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। शिवराज सिंह सरकार में संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें अपात्र लोगों, बीजेपी नेताओं और टैक्स पेयर ने गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लिया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR की जाएगी और फर्जीवाड़ा करने वालों से ये राशि वसूली जाएगी। शिवराज सरकार की संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने से कांग्रेस नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बहुत ही गोपनीयता से इस मामले की जांच की तो सामने आया कि लाखों की तादाद में गलत तरीके से अपात्र लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। लाभ लेने वालों में सबसे बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, आयकर दाता शामिल हैं। कुल मिलाकर गरीबों को लाभ देने के लिए शुरू की गई संबल योजना एक घोटाले में तब्दील हो गई। अब सरकार इस मामले में FIR करवा कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि FIR होने के बाद सभी घोटालेबाजों के नाम अपने आप उजागर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ 15 साल में फर्जीवाड़े के अलावा कुछ हुआ नहीं। आज जो है खबर कि संबल योजना में 75 लाख से ज्यादा लोग, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पेश प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेता थे, इनकम टैक्स पे ही थे, इन्होंने इसका फ़ायदा लिया संबल का, और गरीब लोग उनको नहीं मिल पाया, और आज इसीलिए उनके बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं जो बिल बड़े बड़े आज भी आ रहे हैं। और 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया ये लोग ले गए, इनसे FIR करके वापस लिया जाएगा। इस फर्जीवाड़े पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जितने भी अपात्र लोग हैं उनके खिलाफ FIR की जाएगी। इस फर्जीवाड़े में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपने 15 साल के शासनकाल में फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं किया। इस मामले में जनता के पैसों को अपात्र लोगों से वसूला जाएगा। संबल योजना में घोटाले की बात सामने आने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि गरीबों का हक छीनने वालों को हर चीज में घोटाला नजर आ रहा है, ये बौखलाए और बौराए हुए लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना में घोटाले पर कहा, इस सरकार ने संबल योजना बंद कर गरीबों का गला घोटने की कोशिश की है। गरीब को लाभ देना कहाँ का घोटाला है,
ये बौराए और बौखलाए हुए लोग हैं, पूरे प्रदेश को लूट लूट कर खा रहे हैं। सरकार किसी गरीब को लाभ देना नहीं चाहती है, ये गरीबों का हक छीनने वाले हैं, इनको जनता जवाब देगी। ऐसे बौराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो, तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं। तीन क्राइटेरिया थे संबल के, नंबर एक शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, नंबर दो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, और नंबर तीन 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती, इसलिए पता नहीं कहां से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए, काय का घोटाला? गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पर नहीं देना तो घोटाला हो गया, घोटाला हो गया तो करने वालों को जेल भेज दो, कौन मना कर रहा है? लेकिन रोज रोज ये हो गया वो हो गया, गरीबों के हक छीनने वालों, जनता देगी इस बात का जवाब। और जो करना है करो, तीन क्राइटेरिया थे उसके आधार पर जो गरीब थे, निम्न मध्यम वर्गीय थे, उनको संबल योजना का लाभ दिया, और इस सरकार ने गरीबों का गला घोट दिया, संबल योजना बंद कर दी, बिजली के बिल हजारों रुपयों के आ रहे हैं। अरे बिजली के बिल तो छोड़ दो, बच्चों की फीस नहीं भरवा रही। हमारी बहनों को हम पैसा देते थे संबल योजना के अंतर्गत, जन्म के पहले बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, वो इनने छीन लिए, और इनने तो गरीब की लाश से कफन के 5,000 रुपए छीन लिए। कहते हैं राजनीति जो करवा दे सो कम है, ऐसा ही एक नजारा ग्वालियर में देखने को मिला, जहां कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने से उम्र में 3 साल छोटे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को साष्टांग दंडवत करते नजर आए। हालांकि सिंधिया ने ऐसा करने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह को कोई खास तवज्जो नहीं दिया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो हमेशा की तरह कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। इस बीच भीड़ में नारंगी कुर्ता पहने एक शख्स आता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चरण वंदना करता है। गौर से देखें, ये शख्स कोई और नहीं कमलनाथ सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। हालांकि भीड़ में राजशाही ठसक वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्यादा भाव नहीं दिया और वो आगे बढ़ लिए। लेकिन ये दृश्य बताते हैं कि कांग्रेस की राजनीति इसी साष्टांग दंडवत के पैटर्न पर चल रही है, वरना क्या एक मंत्री को किसी अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति की इस कदर चरण वंदना की जरूरत है? उम्र के लिहाज से देखें तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से ठीक 3 साल बड़े हैं। ऐसे में यह दृश्य कांग्रेस की भीतर की राजनीति को बयां करने के लिए पर्याप्त है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह इतने सम्मान से तो कभी मुख्यमंत्री को भी साष्टांग दंडवत करते नजर नहीं आए। मंत्री द्वारा सिंधिया की चरण वंदना के बाद बात सिंधिया की। अयोध्या मसले पर सिंधिया ने कहा कि अब राजनीति समाप्त, अमन चैन और आपसी सद्भाव कायम है, अब प्रगति और विकास के मुद्दे पर काम होगा। पीसीसी चीफ के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं जनसेवा और सेवा भाव के लिए काम करता हूं, किसी पद के लिए नहीं। राजनीति समाप्त, देश के हित, देश में अमन चैन, देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण सदैव हो, ये हर भारतीय की कामना है। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया है, उसका हम लोग सभी को सम्मान करना चाहिए, उसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। और इसी के साथ मैं मानता हूं कि अब देश के जो अहम मुद्दे हैं प्रगति के, विकास के, उस पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर फिर हमला बोला और कहा यह जनता को धोखा देने वाली और गरीबों का हक मारने वाली सरकार है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में हर मसले पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को घिरा जाएगा। उन्होंने कहा यह कोई जांच नहीं कर सकते, न किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। 2 लाख तक के ऋण माफी की घोषणा की और उसे भी पूरा नहीं कर पाए, बिजली के बिल कम नहीं कर पाए, इसलिए अब जांच की बात करते हैं। ये गरीबों का हक मारने वाली सरकार है, जनता को धोखा देने वाली सरकार है। ये गरीबों का हक मारने वाली सरकार है, बेटियों का हक मारने वाली, कन्यादान योजना आज तक इन्होंने नहीं दी, नौजवान को बेरोजगार, आज तक रोजगार का भत्ता नहीं दिया इन्होंने, आज तक स्कूटी नहीं दी इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया जो योजना थी। बस ऐसे ही हर बार कह दिया कि बिजली अब हम इसलिए नहीं दे पा रहे कि इन्होंने बिल माफ कर दिए थे। पहले बिजली आ गई तो बोले भाजपा के टाइम पे ट्रांसफार्मर खरीदे हुए, फिर कह दी कि चमगादड़ तारों पे उल्टे लटक जाते हैं इसलिए बिजली चली जाती है। इस तरह की दलीलें दे रही हैं। वास्तव में ये प्रदेश के साथ में एक ऐसी सरकार आ गई है जो प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। मिश्रा ने कहा अन्य दलों के नेताओं को मंत्री बनाने का लालच देकर अपने साथ लाए, इन्होंने वो भी नहीं किया। अब कहते हैं निगम मंडल का अध्यक्ष बनाएंगे। गरीब की 5 रुपए की थाली बंद कर दी। सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाली इस पार्टी के लोग गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बिजली कटौती पर सफाई दी और कहा कि कुछ लोग बेवजह चिल्लाते हैं। प्रियव्रत सिंह ने कहा अब बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्वालियर अंचल में बिजली सप्लाई की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि लंबे समय से बकाया बिजली बिलों की रिकवरी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत वे खुद के घर से करेंगे। शासकीय संपत्ति पर बकाया बिलों की वसूली पहले की जाएगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयां राज्य के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है और इकाइयों पर बकाया विद्युत राशि की समीक्षा कर वसूली प्रक्रिया की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग ट्रिपिंग को लेकर यूं ही चिल्लाते हैं। उन्होंने कहा शिवराज सरकार के समय संबल योजना में लाभ देने के आंकड़े से 30,000 ज्यादा लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है। शिवराज की सरकार से कम ट्रिपिंग है, हल्ला ज्यादा वो करते हैं, आदत है, कुछ लोगों की आदत होती ज्यादा हल्ला करने की, और कहीं अगर सुधार की आवश्यकता तो हम लोग कर रहे हैं। और इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से हमने बिजली का बिल बहुत कम किया है हमारे सभी डोमेस्टिक उपभोक्ताओं का। और जहाँ जहाँ पर चुनौतियाँ हैं हम और देख रहे हैं, संभल योजना में जो शिवराज सिंह जी की सरकार दावा करती थी कि हम 65 लाख उपभोक्ताओं को सुविधा दिलाते हैं, आज हम 97 लाख उपभोक्ताओं को सुविधा दिला रहे हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, मध्य प्रदेश के कुछ पुलिस वाले पुलिस की साख पर पट्टा लगाने से भी नहीं चूकते हैं। जब पूरा देश और प्रदेश अयोध्या के फैसले के बाद हाई अलर्ट पर था, उस समय आपके कुछ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी छोड़कर डांस देखने में मग्न थे। ये पुलिस वाले इस अलर्ट के दौर में मस्ती में डांस देखकर पैसे बांटते नजर आए। बाला बच्चन जी, ये खबर आपके लिए जरूरी है। अयोध्या फैसला आने के बाद एक तरफ पूरे देश की पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपकी पुलिस के कुछ लोग ऐसे में भी डांस का लुत्फ ले रहे हैं। बेडनियों की कमर के ठुमके देखते ये सागर के सानौधा थाने के पुलिसकर्मी हैं। संवेदनशील समय में इन लोगों की क्या यही ड्यूटी है? ड्यूटी की जगह डुंगासरा ग्राम में लगे मेले में ये लोग बुंदेलखंड में विवादास्पद माने जाने वाले राय नृत्य का लुफ्त उठा रहे हैं। इन गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों में
सानौधा थाने में पदस्थ पुलिस का एक आरक्षक आर एन शुक्ला, हवलदार गोविंद कोहली तथा एक एएसआई बी आर छारी शामिल है। बाला बच्चन जी, ऐसा नहीं कि इन पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर बैठकर सिर्फ डांस देखा हो, बल्कि इन्होंने बेड़नियों तथा उनके वाद्य यंत्र बजाने वाली कंपनी के सदस्यों को भी पैसे बांटे। गृह मंत्री जी, जानकारी के अनुसार जहां यह कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम स्थल पर इन पुलिस वालों की ड्यूटी भी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि यदि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी नहीं थी तो क्या यह सिर्फ वहां नृत्य का लुफ्त लेने आए थे? इस मामले में जब पुलिस के अधिकारियों से बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अब देखना है कि मामला सामने आने के बाद दोषी पुलिस कर्मियों पर आप और आपकी पुलिस के अधिकारी कुछ कार्यवाही कर पाते हैं या नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोंटा पुलिस के समक्ष एक 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने अपने 9 अन्य साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में गड्डो कृष्णा उर्फ बदरू पर 10 लाख का इनाम घोषित था। कोंटा में 10 नक्सलियों ने समर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली कमांडर 12 जुलाई 2009 में राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में एम्बुंच लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल था। इसे बड़े हमले में जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। कोंटा थाना प्रभारी शरद सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा, जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन में क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर कुछ नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। उनसे बातचीत करने पर वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कोंटा थाना पहुंचकर अपने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में गड्डो कृष्णा उर्फ बदरू भेजी क्षेत्र का रहने वाला है और नक्सलियों की उत्तर गढ़चिरौली डिवीजन की कंपनी नंबर 4 में कमांडर के रूप में काम कर रहा था। उस पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्य धारा है और विकास की जो नीति है उससे प्रभावित होकर गुड्डो कृष्णा सहित, जिसका पार्टी का नाम बुधरा था, उसके सहित 9 नक्सली लोगों ने सरेंडर कर रहे हैं वो हमारे सामने। और ये बुधरा, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि बुधरा मिलिट्री कंपनी नंबर 4 का सदस्य था। इसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित था और 2009 के अंदर जो मदनवाड़ा की घटना हुई थी, जिसके अंदर तत्कालीन राजनांदगांव एसपी चौबे सर ने शहादत को प्राप्त किया था, उस घटना में भी ये शामिल था। टीकमगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी त्योहार शहर में जुलूस निकालकर मनाया। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। शहर में धारा 144 लागू है, जिसके बाद भी प्रशासन और पुलिस की अनदेखी के चलते जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और स्थानीय लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से त्योहार मनाया। अयोध्या फैसला आने के बाद टीकमगढ़ में धारा 144 लागू की गई। शहर में मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया। इसमें प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जुलूस के दौरान पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। प्रशासन की तरफ से जुलूस की परमिशन नहीं थी, फिर भी लोगों ने जुलूस निकालकर धारा 144 को दरकिनार किया। जब इस संबंध में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जबर खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मौखिक रूप से प्रशासन से परमिशन ली गई थी, पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं हुआ। धारा 144 में जुलूस के बाद टीकमगढ़ में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रहीं और लोग जरूरी वस्तुओं के लिए परेशान होते रहे। इस दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और स्थानीय लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से त्योहार को मनाया। छिंदवाड़ा में एक अधिकारी ऐसा भी जिससे कोई भी सीधे बिना अनुमति के मिल सकता है। राजेश साही नाम के अपर कलेक्टर ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने अपने दफ्तर के बाहर लिख रखा है, हमारी उपलब्धता आपके लिए ही है और मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में अफसरों से मिलना और अपने जायज काम को करवाना भी एक टेढ़ा काम माना जाता है। अधिकांश अफसर तो लोगों से मिलने से ही कतराते हैं। आम लोग अफसरों से मिलने तक के लिए नेताओं और बिचौलियों की मदद लेते हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा जिले में अपर कलेक्टर राजेश शाही के केबिन के बाहर लगा बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है।
बोर्ड पर लिखा है कि हमारी उपलब्धता आप ही के लिए है, इसलिए मिलने के लिए किसी की भी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी अफसर से मिलने के लिए समय सीमा का बोर्ड लगा रहता है, लेकिन अपर कलेक्टर राजेश शाही और अफसरों से बिल्कुल अलग हैं। ये बोर्ड अपर कलेक्टर राजेश शाही ने अपनी समस्या लेकर आने वाले आम लोगों के लिए लगाया है। राजेश शाही हमेशा ही आम जनता के कामों को तरजीह देते हैं। इसके पहले भी वे जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए और अब फिर से अपने केबिन के बाहर इस तरह का बोर्ड लगाने के बाद उनकी चर्चा हर तरफ है। मैं ये मानता हूँ कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ अपने कक्ष में हूँ तो कोई भी व्यक्ति, स्पेशली कोई भी कॉमन मैन कभी भी आके मिल सकता है। बस ये मेरी एक सोच है कि उसमें कोई समय की बंदिश ना हो। जब मैं यहाँ उपलब्ध हूँ तो जो व्यक्ति आए वो बिना किसी परेशानी, बिना किसी टाइम लिए या बिना कोई स्लिप भेजे वो सीधे आकर के हमसे मिल लें, ऐसा मैं चाहता भी हूँ और वो करता भी हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।